नमस्कार, मैं अजय कुमार दुबे फिर से आपके बीच में एक बहुत ही शानदार जानकारी को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल एमएलएम क्या है। हमारे समाज में एमएलएम को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को जैसे ही एमएलएम के बारे में बताया जाता है, लोग तुरंत एक शब्द बोलते हैं, मैं जानता हूं, मैंने किया है, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे रिलेटिव ने किया था, वही जोड़ने वाला काम है ना, मैंने करके छोड़ दिया है, ये बेकार का काम है, इसे बेकार और फालतू लोग करते हैं, इसमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसे शब्द उनके पास होते हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो रियल एमएलएम को नहीं जानते वही ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, ये एमएलएम जो शब्द आप सुन रहे हैं, 1930 से आज उन विकसित कंट्रियों के लिए एक वरदान हो चुका है। आज इंडिया में ये नई शुरुआत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में ऐसी ऐसी कंपनियों में काम कर चुके हैं या ऐसी ऐसी कंपनियों में उनके रिलेटिव फंस चुके हैं, उनके द्वारा जो जानकारी उनको मिलती है एक धारणा बन चुकी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाबी नहीं मिलती। दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे लोगों की धारणा बदल रही है। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी बहुत सारा भ्रम था कि इस बिजनेस में जोड़ने वाला काम है, ये हमसे नहीं हो सकता। अरे, पूरी दुनिया जोड़ने पे काम करती है दोस्त। आज नेटवर्क की मैं बात करूं, एक शब्द है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन नहीं, बहाव, प्रचार प्रसार, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सुना है आपने? जब ब्लड हमारी बॉडी में पूरी सर्कुलेट करता है, अगर सर्कुलेट न करे तो हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, हम मर सकते हैं, हमें लकवा मार सकता है। दोस्तों, प्रचार प्रसार की अगर बात करें, विचारों का और प्रोडक्टों का दो चीजों का होता है। हमारे नेता अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखते हैं। धर्मगुरु अपने धर्म को, धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, अपने धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, अपने धर्म के नेटवर्क को बढ़ाते हैं। कोई संगठन अपने संगठन की विचारधारा को एक दूसरे को सर्कुलेट करता है, खुद उसको समझता है, फिर दूसरे को सर्कुलेट करता है। आतंकवादी जैसे लोग भी अपनी विचारधारा से एक सीधे साधे इंसान को भी आतंकवादी बना देते हैं। दोस्त, आज हमारी आर्मी एक नॉर्मल से लड़के के अंदर एक विचारधारा डालती है, देशभक्ति के जज्बात डालती है, और वही साधारण सा लड़का फिर पूरे देश के लिए कुर्बानी तक दे देता है। दोस्त, तो सर्कुलेशन, विचार प्रसार प्रचार होता है। सेम इसी तरह की अभी तक के जितने प्रचार प्रसार आपने देखा, हर तरह के लोगों ने अपना संगठन तैयार किया, लेकिन ग्राहकों का कोई संगठन नहीं था। दोस्त, तो पहली बार एमएलएम इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1930 में कनाडा से। इसके बाद एमएलएम बिजनेस में बहुत तेज गति से लाखों कंपनियां आईं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब राम थे तो रावण भी रहा। यह हमेशा रहा है कि कुछ गलत कंपनियां रही, कुछ अच्छी कंपनियां भी रही। दोस्त, लेकिन आज मैं कुछ बताऊंगा आपको तरीका कि आप कैसे रियल एमएलएम को जानें। तो आइए मैं बताना चाहूंगा आपको एमएलएम मनी सर्कुलेशन। सबसे पहली एमएलएम इंडस्ट्री में पहली जो सर्कुलेशन होती है उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। दूसरा होता है बैंकिंग सर्कुलेशन, तीसरा होता है प्रॉपर्टी सर्कुलेशन, और चौथा होता है प्रोडक्ट सर्कुलेशन। तो आज हम इन चारों को विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, मनी सर्कुलेशन क्या है? एक कंपनी आपके पास आती है, बोलती है कि 10,000 रुपए में ज्वाइन करो। 10,000 रुपए में ज्वाइन करने के बाद 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को ज्वाइन कराओ, अपने रिश्तेदार को ज्वाइन कराओ। जब सारे के सारे रिश्तेदारों को आप जोड़ोगे, 40-40 इधर हो जाएंगे, तो आपका पेयर बनेगा। इनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, इनके पास कोई भी अपनी कंपनी नहीं होती। एक छोटी सी ऑफिस से 3, 4, 5 लोग मिलके एक प्लान तैयार करते हैं और उसी ऑफिस से इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। इनके पास कोई बड़ा स्ट्रक्चर, कोई लागत नहीं होता, इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता जिसका प्रचार प्रसार करो। ये सिर्फ सपने बेचते हैं, वैसे सपने जो आपको एक सीधे साधे इंसान को उन उस सपनों की जाल में फंसाते हैं। और जब बहुत सारा पैसा वो व्यक्ति लगा देता है तो अचानक ये कंपनी ही बंद हो जाती है दोस्त, और वो सीधा सारा इंसान फिर अपने उन सारे रिलेटिव सबका पैसा भरता है, यहां तक कि उसको आत्महत्या तक करना पड़ता है दोस्त, अपना शहर तक छोड़ के उसको भागना पड़ता है। ऐसी लाखों कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं जो आपका पैसा लेके आपके पैसे से ही खेलती है। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता जिसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिसका टर्नओवर किया जाए। दोस्त, दूसरा होता है बैंकिंग सर्कुलेशन। जल्दी जल्दी पैसे को डबल करने की बात करते हैं, वो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में 9 साल में दूना होगा, हमारे यहां 3 साल में दूना।
कोई बैंक आपको 10 साल में दुना देगी, हम आपको 3 साल में दुना दे देंगे, और हिंदुस्तान का वो शरीफ आदमी, भोला भाला आदमी इनके जाल में फंस जाता है और अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपना तो पैसा लगाता ही लगाता है और साथ में बहुत से अपने रिलेटिव का पैसा लगवा देता है दोस्त, लेकिन विदेश टूर का लालच देते हैं वो, कार का लालच देते हैं वो। इतने लोगों का पैसा लगाओगे, आपका 20,000 लगता है, दूसरे का 20,000 लगवाओगे तो आपका एक संगठन बनता है, एक सर्कुलेशन बनता है और आपको विदेश टूर जाने का मौका मिलेगा दोस्त। इस तरह से अचानक वो साइट बंद हो जाती है और साइट बंद होने के बाद वो जो व्यक्ति होता है जो लोगों का पैसा लगवा रहा होता है वो बेकार हो जाता है, लोग उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही लोग जब कहीं फेल होते हैं वो व्यक्ति अपने लोगों को बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद होता है प्रॉपर्टी सर्कुलेशन, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें कंपनी कहती है कि आप हमारे साथ आओ, 1.5 लाख रुपए लगाओ, एक आईडी लगवाओ, आईडी लगाने के बाद आप दो ग्रुप बनाओ, 40 इधर 40 इधर लगवाओ, सबका 1-1 लाख रुपया लगवाओ, जब आप 40-40 लोगों का लगवा दोगे तो आपको दिल्ली जैसे शहर में एक फ्लैट मिल जाएगा तो 30 लाख 25 लाख। अब वो व्यक्ति अपने फ्लैट के चक्कर में अपने सारे रिलेटिव का पैसा लगवा देता है और अचानक उस कंपनी का वेबसाइट ही बंद हो जाता है, और जब वेबसाइट बंद हो जाता है तो जिनका उसने 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया लगवाया होता है वो सारे लोग उस व्यक्ति को पकड़ना शुरू कर देते हैं, और जब उस व्यक्ति को पकड़ते हैं वो व्यक्ति अपने ही जमीन के पहले खरीदे हुए टुकड़े को बेच के उनकी भरपाई करता है, या तो आत्महत्या करता है, या तो अपना शहर छोड़ के अपने परिवार को लेकर अपना जमीन बेच के भागता है, क्योंकि अगर वहां रहेगा तो वो लोग छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह से वो डर जाता है और फिर कभी उसके पास सच्ची कंपनी भी आती है, अच्छी कंपनी भी आती है तो एक्सेप्ट नहीं करता दोस्त। एक स्टोरी से मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। एक शहर में एक लड़का था, अचानक की घटना है, वो बाइक लेके जा रहा था, जस्ट उसके पीछे भी एक बाइक आ रही थी, लेकिन अचानक उसने इमरजेंसी में ब्रेक लिया और जब ब्रेक लिया तो पीछे की बाइक आके सट गई, जिससे पीछे से आ रहे व्यक्ति को चोट लगी और उसने जैसे ही लड़के ने घूमा और सोचा कि ये मुझे मारेगा, और जैसे ही इसने सोचा कि मुझे मारेगा, 1 उसने दिया 2 पीछे वाले ने, और जो 2 दिया तो उसने क्या देखा कि वो भूरी आंखों वाला व्यक्ति था। जैसे उस भूरी आंखों वाले व्यक्ति को उसने देखा वो डर गया कि भूरी आंखों वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक सेम उसके तीसरे दिन एक घटना घटी, वो सब्जी लेने के लिए मार्केट में गया हुआ था, साइकिल से जा रहा था, अचानक उसकी साइकिल की रफ्तार तेज हुई और एक व्यक्ति के एक कुर्ते में फंसा और उसका कुर्ता फट गया, और जैसे ही कुर्ता फटा इस व्यक्ति ने सोचा कि ये भी मारेगा, और जैसे ही घूमा और देख के सोचा कि ये मारेगा, 1 उसने मारा 2, और जब उस लड़के ने देखा तो वो भी भूरी आंखों वाला था। अब इसके दिमाग में एक साइकोलॉजी बन गई कि जितने भी भूरी आंखों वाले होते हैं ये सब के सब बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, ये बहुत क्रूर होते हैं। दोस्त उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने लॉटरी का टिकट खरीद रखा था, उस लॉटरी के टिकट जब खरीदा उसने उसका 1 करोड़ रुपया फंसा हुआ था, लेकिन जब वो जो एक व्यक्ति डाकखाने का जब उसके गांव में पहुंचा, जाने के बाद वहां पता किया कि इस नाम का व्यक्ति कौन है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि हमारे गांव के ही हैं, लेकिन संयोग से लड़का घर पे नहीं था, वो व्यक्ति लौट के चला गया, और जब वो आदमी आया तो उसने बताया कि आपको एक व्यक्ति ढूंढ रहा था, पोस्ट ऑफिस से था, बोला कि वो कैसा था दिखने में, तो उसने बोला भूरी भूरी आंखों वाला था। दोस्त जैसे ही उस व्यक्ति ने उसे बताया कि भूरी भूरी आंखों वाला व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है, ये व्यक्ति जिसने तुरंत बोला कि अगर वो दोबारा गांव में आए तो बताना मत, ये व्यक्ति गांव छोड़ के भाग गया दोस्त, और 8 दिन का वो समय था लॉटरी का, ये व्यक्ति गांव में नहीं आया और इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट सर्कुलेशन, प्रोडक्ट सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वो किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, उसके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसके प्रोडक्ट जब उसको अच्छे लगते हैं तो दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करता है प्रोडक्ट को, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट सर्कुलेशन। इसमें प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और जब हम प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं तब दूसरे को तारीफ करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और हमारा संगठन बनने लगता है दोस्त। इस तरह से हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होता है और उस टर्नओवर में हमारी भागीदारी होने लगती है और हम इस व्यवसाय के पार्टनर बन जाते हैं दोस्त। तो प्रोडक्ट सर्कुलेशन के भी 4 पार्ट हैं। पहला है मेडिसिन सेक्टर। जब आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो पहली जो कंपनी है, बहुत सी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं जो मेडिसिन सेक्टर पे काम कर रही हैं।
मेडिसिन सेक्टर के ऊपर वो क्या करते हैं, हम जुड़ते हैं, हम लोगों को बताते हैं, क्या बताते हैं, किसकी बीमारी में कौन सी दवा चलेगी, किस बीमारी में कौन सी दवा चलेगी। घरे दोस्त, अगर आप नॉर्मल और सीधे साधे व्यक्ति हैं, आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास किसी मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, किसी बीमारी की नॉलेज नहीं है, तो ये क्षेत्र आपके लिए रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें वही लोग कामयाब हैं जिनके पास डिग्रियां हैं। अगर कोई कैजुअलिटी होती है आपकी मेडिसिन देने के बाद, तो आपके पास डिग्री होगी तो आप बचोगे, नहीं तो आप बचोगे नहीं। इसमें रिस्क है। हम दवा के ऊपर काम करते हैं, हम बीमार लोगों को ढूंढते हैं। दोस्त, ये मेडिसिन सेक्टर है। दूसरा जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये मजबूरी के प्रोडक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक टीवी, टेप, पंखे, ये हम रोज नहीं खरीदते। हमारे समाज का नेचर है कि पंखा हमारा गड़न 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 चलता रहता है, जब तक चिल्लाता चिल्लाता थक नहीं जाता है, हम पंखे नहीं बदलते। हम एक बार टीवी खरीदते 10-10 साल नहीं बदलते। हम शौक में कोई काम नहीं करते। आबादी गरीबी रेखा से नीचे की का जीवन जीती है, तो हम ये रोज नहीं खरीदते। तो ये प्रोडक्ट है तो अच्छा, इस कंपनी में काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप हैवी टर्नओवर चाहते हैं तो यहां नहीं कर सकते आप। रेगुलर प्रोडक्ट यहां सेल नहीं होती। इसके बाद सिंथेटिक कपड़े की कंपनी, एक कंपनी आती है, बोली मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, जींस है, पैंट है, सूट है, सब कुछ है, साड़ियां हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताओ, आज आपने साड़ी खरीदी, कल फिर साड़ी खरीदेंगे, परसों फिर साड़ी खरीदेंगे, अगले महीने फिर साड़ी खरीदेंगे, आज आपने सूट सिलवाया, कल फिर सूट सिलवाएंगे, कल परसों फिर सूट सिलवाएंगे, क्या अगले महीने फिर सूट सिलवाएंगे। अरे हम ऐसे देश में रहते हैं जहां शादी का एक बार सूट बनता है तो 20-20 साल पहनते हैं। दोस्त, सिंथेटिक। इसके बाद होता है FMCG, चौथा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी तरफ कंज्यूमर बार बार मूव करता हो, बार बार मूव करता हो, उसके बिना जी नहीं सकता। जिस प्रोडक्ट की तरफ बार बार हमें जाना पड़ता है, सुबह से शाम के जरूरत के प्रोडक्ट हमारी मजबूरी होते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो FMCG पे कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं कि आम पब्लिक उसे यूज नहीं कर पाती है। हमारे समाज में 5 तरह कैटेगरी होती है इंसानों की। पहली है वेरी हायर, बेहद अमीर, हायर अमीर, मिडल मध्यम परिवार, तीसरा पुअर गरीब परिवार, पांचवा बेहद गरीब। ये 5 तरह कैटेगरी है दोस्त। लेकिन कभी कई कंपनियों के प्रोडक्ट या तो वेरी हायर लोग यूज कर सकते हैं या हायर के लोग यूज कर सकते हैं, जबकि हमारे देश की 80% आबादी मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे जीवन यापन करती है दोस्त। और RCM के प्रोडक्ट हर कैटेगरी को यूज कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि RCM का नारा है, क्वालिटी में दम होगा और रेट में भी कम होगा, और साथ में रॉयल्टी जैसी कई पीढ़ियों को इनकम आएगी। दोस्त, RCM क्यों भारत में चलेगा, क्यों भारत में चलेगा, ध्यान से समझिएगा, क्यों भारत में चलेगा? क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी रोजमर्रा की मजबूरी हैं, रोजमर्रा की मजबूरी हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर यही प्रोडक्ट चलेंगे। जो पहली क्या है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो उपयोग हो सके, जिनका उपयोग सुबह से लेकर शाम तक होता हो। कैसे? आप सुबह उठते हैं, सुबह आपकी शुरुआत होती है कैसे? ब्रश से, टूथपेस्ट से, चाय से, नमकीन से, बिस्किट से, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मसाला, नमकीन, बिस्किट, चाय। आगे बढ़ते जाए आप कपड़े से लेके, अगरबत्ती से लेके, धूप से लेके, सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या की वो हर वो प्रोडक्ट आपकी मजबूरी है, शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि घर घर में झगड़ा ही है नमक, तेल, धनिया, मिर्चा का। हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो कंज्यूमेबल है, जिसका उपयोग डेली किया जा सके। अफोर्डेबल प्रोडक्ट, जो आसानी से मिल सके और हर कोई, हर स्तर का व्यक्ति खरीद सके, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सके, उसके बजट में आता हो, उसके बजट में आता हो। रिपीटेबल, तीसरा, जो प्रोडक्ट हमें बार बार खरीदना पड़े, बार बार खरीदना पड़े, बार बार खरीदना पड़े। अरे बिना नमक के आप जी नहीं सकते, बिना हल्दी के आप जी नहीं सकते, बिना नमकीन के आप जी नहीं सकते। ऐसे प्रोडक्ट जिनको बार बार खरीदना पड़े, मजबूरी में खरीदना पड़े, हर रोज खरीदना पड़े, जीवन भर खरीदना पड़े, पैदा होने से लेकर मरने तक खरीदना पड़े, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास हो, और इसमें RCM इज द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया। दोस्तों, RCM एक सर्कुलेशन है, और RCM बिजनेस हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है, जो सुबह जब हम जगते हैं और रात को जब हम सोते हैं तब से लेके तब का सारा प्रोडक्ट हमारे पास है। एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट है, और
जब हम संत जब पहले हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब प्रोडक्ट से हम संतुष्ट जाते हैं तो हम दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं, चौथे को बताते हैं, उनको भी डेली जरूरत है प्रोडक्ट की। जब वो भी तीसरे चौथे पांचवे को बताते हैं तो हमारा ग्राहकों का एक संगठन तैयार होता है दोस्तों। और दुनिया में वही व्यक्ति अमीर है जिसके पास संगठन है। टाटा, बिरला, बांगर, मित्तल, सिंघानिया, अंबानी, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने नौकरी नहीं किया, नेटवर्क को बनाया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप भी अपने दो घंटे के उस टाइम को, रद्दी टाइम को लगा के इस प्रोडक्टों को यूज करके, इन प्रोडक्टों की तारीफ करके अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आप इस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं। आपको लाखों रुपए इनकम आ सकती है, पूरे हिंदुस्तान में घूमने की आजादी हो सकती है, समय की पाबंदी खत्म हो सकती है, एक ऐसा जीवन आपको मिल सकता है, गरीबी से अमीर तक आप जा सकते हैं दोस्त, अपने बच्चों का अच्छा करियर बना सकते हैं दोस्त, अपना करियर बना सकते हैं दोस्त, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्त। सबसे अच्छी बात, नो लागत, नो रिस्क और मुनाफा 100% मुनाफे का बिजनेस है दोस्तों। लेकिन एक लास्ट में लाइन बोलना चाहता हूं, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस आरसीएम करते रहना। ओके, थैंक्स।